नमस्कार, मैं हूं परवेश और आप देख रहे हैं द भारत खबर। तेलंगाना के सिरसिला में एक यूट्यूबर को मोर करी बनाने और खाने पर गिरफ्तार कर लिया गया है। इस यूट्यूबर का अपने चैनल में वीडियो अपलोड करने पर भारी विरोध हो रहा था। मोर करी बनाते और खाते हुए इसने वीडियो पोस्ट किया था। टाइटल दिया गया, यूट्यूबर प्रिपेयरिंग एंड कंज्यूमिंग पीकॉक करी वायरल वीडियो। इस वीडियो को लेकर लोगों में गुस्सा पैदा हो गया। लोगों ने वन्य जीवों को अवैध तरीके से मारने का आरोप लगाया। कहा गया कि मोर भारत का राष्ट्रीय पक्षी है, ऐसे वीडियो सामने आने से गलत मैसेज जाएगा। ਰੰਗਲਾ ਪੰਜਾਬ ਜੇ ਬਣਾਉਣਾ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਸਿਹਤਮੰਦ ਪੰਜਾਬ ਪਹਿਲਾਂ ਚਾਹੀਦਾ। 96% ਤੋਂ 97% ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਮੁਹੱਲਾ ਕਲੀਨਿਕਾਂ ਚੋਂ ਠੀਕ ਹੋ ਕੇ ਘਰੇ ਵਾਪਸ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਸਰਕਾਰੀ ਹਸਪਤਾਲਾਂ 'ਤੇ ਬਰਡਨ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਗਿਆ। ਮੁਹੱਲਾ ਕਲੀਨਿਕ ਜਿਹੜਾ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਉਹਦੀ ਬਿਲਡਿੰਗ ਬਹੁਤ ਅੱਛੀ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਉੱਥੇ ਸਭ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਫੈਸਿਲਿਟੀਜ਼ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ। 2 ਹਫ਼ਤੇ ਤੋਂ ਖੰਘ ਨੇ ਬਹੁਤ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਕਰਿਆ ਤੇ ਜੀ, ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਬਾਹਰ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਦਵਾਈ ਲੈਂਦਾ ਰਿਹਾ, ਫਿਰ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਲਿੱਤੀ ਜੀ। ਟੈਸਟ ਫ੍ਰੀ ਹੋਇਆ, ਇੱਥੋਂ ਮੈਂ ਠੀਕ ਹੋ ਗਿਆ, ਹੁਣ ਮੈਂ ਠੀਕ ਹਾਂ ਬਿਲਕੁਲ। ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਮੁਹੱਲਾ ਕਲੀਨਿਕ ਹੈ, ਸਫਾਈ ਹੈ ਔਰ ਡਾਕਟਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਦਵਾਈ ਲਿਖਣੀ ਹੈ ਉਹ ਕੰਪਿਊਟਰ 'ਚ ਐਡ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਜਿੱਥੇ ਦਵਾਈ ਲੈਣੀ ਹੈ ਉੱਥੇ ਤੱਕ ਕੰਪਿਊਟਰ ਪਹੁੰਚ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਟੋਟਲ ਪੇਪਰਲੈਸ ਹੈ। ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਉਪਰਾਲਾ ਕੀਤਾ, ਵਧੀਆ ਕੰਮ ਕਰਿਆ ਸਰਕਾਰ ਨੇ, ਗਰੀਬਾਂ ਦਾ ਭਲਾ ਕਰਤਾ। ਪੰਜਾਬੀ 'ਚ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਬਾਕੀ ਦੇ ਕੰਮ ਬਾਅਦ 'ਚ, ਪਹਿਲਾਂ ਸਿਹਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਸੋ ਅਸੀਂ ਜਦੋਂ ਸਹੁੰ ਚੁੱਕੀ ਤਾਂ ਪਹਿਲੇ ਹੀ ਸਾਡਾ ਵਿਜ਼ਨ ਇਹ ਸੀਗਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈਲਥ ਟੌਪ ਕਲਾਸ ਦਾ ਇਲਾਜ ਹੋਵੇ। ਸੋ ਇੱਕ ਮੈਡੀਕਲ ਹੱਬ ਦੇ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਸੋਚਿਆ, ਔਰ ਮੈਂ ਕੋਈ ਆਸਾਨ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ ਤੁਹਾਡੇ 'ਤੇ, ਮੇਰਾ ਫਰਜ਼ ਹੈ ਜੀ। जानकारी के मुताबिक यूट्यूबर का नाम कोडम प्रणय कुमार है। बताया गया कि प्रणय कुमार लोगों को मोर बनाने का तरीका बता रहा था। ट्रेडिशनल पीकॉक करी रेसिपी नाम के इस वीडियो में कथित तौर पर मोर के मांस का इस्तेमाल करके करी बनाते हुए दिखाया गया। लोगों ने इस पर भारी विरोध दर्ज कराया और इसे वन्य जीवों के खिलाफ गंभीर अपराध भी बताया। विवाद के बाद वीडियो को प्रणय कुमार के यूट्यूब चैनल से हटा दिया गया है। वन विभाग ने प्रणय कुमार को गिरफ्तार कर लिया है और उस क्षेत्र में जाकर जांच की है जहां उसने मोर करी पकाई थी और वीडियो शूट किया था। प्रणय कुमार पर वाइल्डलाइफ प्रोटेक्शन एक्ट के तहत आरोप लगाए गए हैं। अधिकारियों ने आरोप लगाया कि वीडियो में एक संरक्षित प्रजाति की हत्या को बढ़ावा दिया गया। वन अधिकारी वीडियो की वैधता की जांच कर रहे हैं और फॉरेंसिक जांच के लिए नमूने इकट्ठे कर रहे हैं। सिरसिला के एसपी अखिल महाजन ने कहा है कि कुमार के खिलाफ संबंधित धाराओं में मामला दर्ज कर लिया गया है। उनका कहना है कि प्रणय कुमार के और ऐसी हरकतें करने वाले किसी भी दूसरे व्यक्ति के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। यूट्यूबर के खून के नमूने और करी के अंशों को जांच के लिए भेजा गया है। पुलिस ने कहा कि अगर जांच में मोर के मांस की पुष्टि होती है तो कार्रवाई की जाएगी। बताते चलें कि मोर भारत का राष्ट्रीय पक्षी है, वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट के तहत इसे अनुसूची 1 प्रजाति की सुरक्षा प्राप्त है। दरअसल मोर को कानून के तहत हाई लेवल की सुरक्षा मिली हुई है। इसका उल्लंघन करने वालों को कम से कम 3 साल की कैद की सजा दी जाती है, जिसे बढ़ाकर 7 साल तक भी किया जा सकता है। आप देख रहे हैं द भारत खबर। हमारी खबरों के अपडेट्स पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। नमस्कार।